ये आज ये थाना बिशुनगढ़ में एक गांव है बहादुरपुर, तहसील छिबरामऊ कन्नौज, उसमें एक पेशेंट जो है वो पारस हॉस्पिटल आगरा में इलाज अपना कराने गया था हार्ट के लिए, एडमिट था वहाँ पर 4 अप्रैल में। 4 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक पारस हॉस्पिटल आगरा में रहा था। उस पारस हॉस्पिटल में 16 केस पॉजिटिव पाए गए थे, तो वहाँ DM आगरा ने हमारे पास ये यहाँ सूचना आई थी हमारे DM साहब के पास कि पारस हॉस्पिटल में इन पेशेंटों ने इलाज कराया था उस ड्यूरेशन में। तो उसमें जैसे ही हम लोग को सूचना मिली कि ये पारस हॉस्पिटल में इलाज करा के आए हैं, उनको तुरंत पूरे परिवार सहित हम लोगों ने क्वारंटीन के लिए अपने फैसिलिटी में बुला लिया और उनका सैंपल परसों लेकर के भेजा गया था यहाँ पर सैफई मेडिकल कॉलेज में। आज शाम को उसमें से 5 में से 1 निगेटिव आया है और 3 पॉजिटिव आए हैं और 1 की रिपोर्ट अभी अवेटेड है। पूरे गांव को मतलब सील कर दिया गया है और हमारी एक्टिविटी शुरू हो गई है और पूरा 3 किलोमीटर के रेडियस में सैनिटाइज किया जाएगा और हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं घर घर जा कर के स्क्रीनिंग करेंगी और कल पूरी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। टोटल केस अब तक 4 हो गए, 3 आ जाए और 1 पहले से पॉजिटिव था। केवल 5 लोग थे, ये 5 को बुला लिया गया था। अब ये डिटेल हिस्ट्री उनसे लेकर के, क्योंकि यहीं पर एडमिट हो गए हैं, CSC पर कर दिया गया है उनको, डिटेल हिस्ट्री लेकर के उनकी जो भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री होगा उसको ट्रेस आउट करके उसको क्वारंटीन कराया जाएगा और उनके सैंपल भेजा जाएगा।